ना इमरान खान ना शहबाज, पाकिस्तान की जनता चाहती है भारत की मदद। बोइंग और एयरबस ही क्यों हवाई जहाज बना रहे हैं, पैसेंजर जहाज कब बनाएगा भारत? दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कह रही है भारत 500 की स्पीड से विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत की तरक्की को देखकर पाकिस्तानी मीडिया जमकर पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को कोस रही है। इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एससीओ के लिए समरकंद उज्बेकिस्तान में पहुंचे हुए हैं और पहुंचते ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। शहबाज शरीफ के कान पर लगा एयरफोन जैसे ही गिरा और शहबाज शरीफ चौंक उठे। अब मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि माई बाप देश को चलाने वाले सबसे ताकतवर इंसान हैं और आप माइक गिराने पर चौंक जाते हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहली बार आमने सामने मिलने वाले हैं और उधर पूरा पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता सिर्फ भारत से होकर गुजरता है, इसलिए पाकिस्तान को फिर से भारत के सामने हो जाना चाहिए। दोस्तों, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जब गरीबी दरवाजे के अंदर आती है तो सारी अकड़ खिड़की से बाहर निकल जाती है। अब कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में शुरू हो गया है। वह पाकिस्तान जहां की सरकारी इमारतें अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई, उसकी मरम्मत चीन करता है और अलग से उनमें कोई टीवी पंखे फ्रिज लगाने होते हैं तो उसके लिए अमेरिका से पाकिस्तान पैसा मांगता है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि जब भी पाकिस्तान किसी देश के सामने खड़ा होता है तो केवल पैसे ही मांगता है। पाकिस्तान और भारत एक साथ आजाद हुए, लेकिन भारत कहां से कहां पहुंच गया, अभी पाकिस्तान वहीं पर खड़ा हुआ है, या यूं कहे तो पाकिस्तान वहां से भी बदतर हो गया है। भारत और पाकिस्तान में कितना फर्क है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारतीय रुपये की कीमत तकरीबन 3 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर हो गई। यानी कि पाकिस्तान भारत में 3 लेकर आएगा तो उसे भारत 1 रुपया वापस देगा। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक के लिए समरकंद पहुंच चुके हैं। पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी आमने सामने हैं। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जब भी वे सभा करते हैं तो उसमें भारत का नाम जरूर गिनाते हैं कि आजाद भारत को देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गया और हम कहां खड़े हैं। अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत की तरक्की को गिनाते हैं, इसके पीछे भारी सबूत है। आज से 10 साल पहले जब भारत दुनिया की 11वीं नंबर की इकोनॉमी वाला देश था और आज 5वें नंबर पर पहुंच गया है, वहीं पाकिस्तान जो आज से 10 साल पहले 30वें नंबर पर था लेकिन आज 150वें नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत नाजुक है। देश को चलाने के लिए खजाना खाली हो चुका है, कटोरे में कोई फूटी कोड़ी डालने को तैयार नहीं हो रहा। तो अब पाकिस्तान के लोगों को समझ आ चुका है कि तरक्की का रास्ता भारत से होकर गुजरता है, इसलिए भारत के साथ फिर से तालमेल को बिठाया जाए, व्यापार शुरू किया जाए। वहीं पाकिस्तान जो कभी भारत पर हंसता था, भारत का मजाक बनाता था कि भारत के लोग सब्जियां खाते हैं, हम तो मटन खाते हैं, मीट खाते हैं, लेकिन आज अब पाकिस्तान प्याज और टमाटर के लिए तरस गया है, भारत से अर्जी लगा रहा है, टमाटर खाए बहुत दिन हो गए, सरकार एक बार फिर से पाकिस्तान को टमाटर भेज दे। इस वक्त पाकिस्तान में प्याज 300 रुपए किलो तो टमाटर 400 रुपए किलो बिक रहे हैं, लेकिन वहीं से 40 किलोमीटर दूर आप कश्मीर चले आइए, आपको टमाटर की कीमत सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए किलो ही मिलेगी। पाकिस्तान की सरकार में बैठे हुक्मरानों को भी डर सता रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं थमा तो हम गेहूं कहां से लाएंगे। अब पाकिस्तान में टमाटर और प्याज के बाद गेहूं का संकट खड़ा हुआ है। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर, अब आइए आपको दूसरी खबर बताते हैं। दोस्तों, भारत देश अब एक ऐसे फेज में पहुंच चुका है जिसके कारण दुनिया के सुपर पावर देश चिढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत जिसने कभी पहले तोपों में लगने वाले गोले तक खरीदने पड़ रहे थे, अब आज फाइटर जेट बना रहा है। भारत पहले ही अंग्रेजों से गुलामी का बदला ले चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के ऊपर पहुंच गई है। अब भारत वह काम करना शुरू कर दिया है जिससे आज तक केवल अमेरिका ही कर रहा था। दोस्तों, आज भारत तकनीक के मामले में दुनिया के देश चीन, रूस और अमेरिका को टक्कर दे रहा है और अब इनकी बराबरी पर खड़ा हो गया है।
अमेरिका, फ्रांस, रूस भले ही हथियारों के निर्माण में महारत हासिल कर लिए हो, लेकिन आज भी इन देशों को सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट समेत कई प्रमुख उपकरण भारत ही देता है। भारत के लाइट कॉम्बैट तेजस विमान को खरीदने के लिए दुनिया के कई देश कतार में लग चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि भारत अब तकनीक के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका है। वहीं आने वाले एमका में भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसको देखकर दुनिया दंग रह गई है। जिस वक्त एमका में लगने वाली इस टेक्नोलॉजी का खुलासा हुआ था, उस वक्त अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान हैरान था, क्योंकि इस एमका में ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है जिसे अमेरिका अपने लड़ाकू विमान में उपयोग करना चाह रहा था। दरअसल एमका लड़ाकू विमान में ईओस लगाया गया है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। ईओस के द्वारा एमका विमान 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का पता लगा लेगा। अभी तक भारत में ऐसा कोई लड़ाकू नहीं है जिसमें इतने हाई रेंज के ईओस का इस्तेमाल किया गया हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जब इतने ताकतवर फाइटर जेट का निर्माण कर ले रहा है, तो पैसेंजर हवाई जहाज का निर्माण क्यों नहीं करता? आज तक जितनी भी एरोप्लेन आप आसमान में देखते हैं, चाहे वे जिस देश के भी हो, उसका निर्माण अमेरिका की बोइंग या फिर एयरबस के द्वारा ही किया जाता, यानी कि बोइंग और एयरबस का ही पूरा दुनिया में एकाधिकार है। तो दोस्तों, आज दुनिया में जितनी भी पैसेंजर हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उनका निर्माण या तो बोइंग कर रहा है या फिर एयरबस, ये दोनों ही कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं। बोइंग कंपनी की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत की थी और सबसे पहले इस कंपनी ने हवाई जहाज का निर्माण किया था। कुछ दिनों तक बोइंग कंपनी का हवाई जहाजों के निर्माण में एकाधिकार हो गया, लेकिन कुछ सालों बाद जर्मनी, फ्रांस जैसे देश मिलकर एयरबस कंपनी का निर्माण किया। इन दोनों कंपनियों के आगे किसी भी देश को हवाई जहाज के निर्माण में सफलता नहीं मिली, क्योंकि इन कंपनियों का गवर्नमेंट के साथ भी एक ताकतवर रिलेशन था और इनको भारी मात्रा में फंड मिल रहे थे। वहीं यह कंपनियां चाहती भी नहीं थी कि कोई दूसरी कंपनी मार्केट में हवाई जहाज का निर्माण करे। दरअसल इन दोनों कंपनियों के पास ऐसे बहुत सारे एविएशन के राइट्स हैं जो दूसरी कंपनियों को नहीं दिए जाते, इसलिए वे कंपनियां पीछे रह जाती है। वहीं भारत भी काफी लंबे समय से फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है। भारत के पास भी तकनीक है कि वे पैसेंजर हवाई जहाज का निर्माण कर सकता है, लेकिन जब भी भारत पैसेंजर जहाजों का निर्माण करेगा, तो यह दोनों कंपनियां फिर से भारत के खिलाफ साजिश रचेगी और भारत की कंपनियों को डुबाने की कोशिश करेगी। लेकिन भारत अब लगभग हर क्षेत्र में सफलता पा चुका है। भारत ने अग्नि 5 जैसी मिसाइल का निर्माण करके अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का निर्माण कर लिया है। भारत अब इतना ताकतवर है कि अपनी सैटेलाइटों को खुद ही अंतरिक्ष तक लॉन्च कर देता है। 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान भी भारत बना रहा है। भारत को अब ड्रोन बनाने में भी महारत हासिल हो चुकी है। अब सिर्फ बारी है पैसेंजर जहाजों की। खबरों के मुताबिक भारत पैसेंजर जहाजों के निर्माण पर भी आने वाले कुछ सालों में काम शुरू करने वाला है। बहरहाल दोस्तों, भारत जिस दिन पैसेंजर जहाजों का निर्माण कर लेगा, उस दिन भारत को अमेरिका के बराबरी पर देखा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।